हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिफोर, आफ्टर और बिटवीन समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिफोर किसे कहते हैं। बिफोर मतलब होता है पहले। कोई भी नंबर है उससे पहले वाला नंबर को बिफोर कहते हैं। अब समझते हैं आफ्टर क्या होता है। आफ्टर उसे कहते हैं कोई भी नंबर है उसके बाद वाला नंबर को, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर। अब समझते हैं बिटवीन मतलब क्या होता है। किसी भी दो नंबर के बीच में जो नंबर आता है उसे कहते हैं हम लोग बिटवीन। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग बिफोर का क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 4। तो बिफोर मतलब होता है पहले। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 से पहले वाला नंबर क्या आता है? 3। तो हम लोग यहां लिख देंगे 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। देखिए 21 है, 21 का बिफोर लिखना है। तो 21 से पहले कौन सा नंबर आता है? 20। तो हम लोग यहां लिख देंगे 20। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या 48 का बिफोर लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग 48 का बिफोर? 47, क्योंकि पहले वही आता है फिर 48 आता है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 47। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 94 का बिफोर लिखते हैं। तो 94 का पहले कौन सा नंबर आता है? 93। तो हम लोग, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 101। तो 101 से पहले कौन सा नंबर आता है? 100। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 100। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग समझेंगे आफ्टर। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 6। तो 6 का आफ्टर निकालना है। तो 6 का आफ्टर हो जाएगा 7। 6 के बाद कौन सा नंबर आता है? 7 आता है। तो यहाँ पर लिख दिए 7। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या 30। 30 का आफ्टर निकालेंगे। तो 30 के बाद कौन सा नंबर आता है? 31। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 31। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 88 का आफ्टर निकालना है। तो 88 के बाद कौन सा नंबर आता है? 89। तो आंसर हो जाएगा 89। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 105 का आफ्टर निकालना है। तो आपको पता ही है कि 105 के बाद कौन सा नंबर आता है? 106। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 106। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 500 के बाद कौन सा नंबर आता है? 501। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 501। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग समझेंगे बिटवीन। बिटवीन के ऊपर कुछ एग्जांपल बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है 8-10। 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आता है? इसी को कहते हैं बिटवीन। तो 8 और 10 के बीच में 9 आता है। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। देखिए आया बीच में कौन सा नंबर? 9। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 9। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्या है 15-17। तो देखिए 15 और 17 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 16। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 16। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या है 75-77। 75 और 77 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो हम लोग को लिखना है क्या आता है? 76। तो हम लोग यहाँ 76 लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, क्या है 110-112। तो देखिए 110 और 112 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 111।
तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 111। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, 513-515। तो देखिए 513 और 515 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 514। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 514। ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों आपने बिफोर समझा, आफ्टर समझा और बिटवीन समझा। तो बिफोर मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है उससे पहले वाला नंबर। तो देखिए यहाँ पर 4 था तो उससे पहले वाला नंबर 3 है, लिख दिए। इसी तरह और भी एग्जांपल है, उससे पहले वाला नंबर हम लोग लिख दिए, इसी को कहते हैं बिफोर। देखिए आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर 6 था तो नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 6 के बाद 7 आता है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 7। इसी तरह सारे एग्जांपल में लिखें नेक्स्ट नंबर। अब समझेंगे बिटवीन, तो बिटवीन क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो यहाँ पर 8 था, डैश है और 10, तो इसके दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आया, 9, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 9। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने बिफोर, आफ्टर और बिटवीन समझा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें। इसी तरह और वीडियोस के लिए MWA Academy Junior को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।